अगर आप अकेले रहने के लिए बने होते तो आप इस समाज में ना होते। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक जंगल की कहानी सुनाती हूँ जहाँ एक मोर रहा करता था। एक मोरनी थी जो उसे बहुत पसंद थी। एक दिन हिम्मत करके मोरनी के पास शादी का प्रपोजल लेकर पहुंच गया मोर। जाकर मोरनी से कहा कि कैसा रहे अगर तुम्हारा हम विवाह कर ले। मोरनी ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। बोला, बिल्कुल पूछो। उसने पूछा, क्या तुम्हारे कोई दोस्त है? कौन कौन है तुम्हारे दोस्त? मोर ने इधर उधर देखा और कहा कि नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में दोस्तों के लिए कोई जगह है। मैं तो अपना पूरा समय खुद को और अपने परिवार को देना चाहता हूँ। मोरनी ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया। मोर सोचते सोचते वापस लौट रहा था कि क्या दोस्त होना इतना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी बड़ी प्रबल इच्छा थी मोरनी से शादी करने की। तो उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो अपने लिए दोस्त बनाएगा। उसने एक शेर के साथ दोस्ती करी, एक कछुए के साथ दोस्ती करी और एक टिटहरी। टिटहरी वो जो शेर को उसके शिकार के बारे में बताती है, शेर को बुलाती है। इन तीनों से उसने दोस्ती कर ली और उसके बाद फिर से मोरनी के पास शादी का प्रपोजल लेकर पहुंचा। अब जब उसने मोरनी को बताया कि अब मेरे तीन दोस्त हैं, तो मोरनी तुरंत शादी करने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने शादी की, खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। एक पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहने लगे और दोनों ने अंडे भी दिए। इतने में एक दिन जंगल में शिकारी आए। शिकारी अपने लिए शिकार ढूंढ रहे थे। जब उन्हें शिकार नहीं मिला, थक हार कर उसी पेड़ की छांव में वो शिकारी बैठ गए और उनके मन में विचार आने लगा। वो आपस में बातें करने लगे कि अब शिकार तो मिला नहीं है, लेकिन इस पेड़ पर बहुत सारे चिड़िया मोर वगैरह वगैरह हैं, तो क्यों ना उनके अंडे और बच्चों से ही अपना पेट भरा जाए। ये बातें सुनकर मोर और मोरनी बहुत घबरा गए। फिर क्या था, मोर तुरंत वहां से भागा अपने दोस्तों की मदद लेने के लिए। उसने टिटहरी को बताया। टिटहरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। शेर को पता चल गया आसपास कोई शिकार है। इतने में कछुआ उनको लुभाने के लिए सामने आया। उन्होंने सोचा, चलो कछुए को पकड़ लेते हैं। कछुए के पीछे गए और कछुआ अंदर पानी में चला गया, जिसकी वजह से वो शिकारी भी पानी में जाकर दलदल में फंस गए। और कुछ ही देर में वहां पर शेर आ गया और शेर ने उन शिकारियों का ही शिकार कर लिया और मोर मोरनी अपने बच्चों को और अंडों को बचा पाए। उस दिन मोर ने मोरनी से कहा कि आज मुझे समझ में आया कि तुमने शादी के पहले ये सवाल क्यों किया था। जीवन में दोस्तों का होना, सही दोस्तों का होना कितना जरूरी होता है। एक्चुअली हम एक समाज में रहते हैं, सब कुछ हम अकेले खुद ब खुद नहीं कर सकते। हमें दूसरों की जरूरत होती है, उनके साथ की आवश्यकता होती है। इसलिए सामाजिक होने के नाते मित्रता जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपके आसपास जो लोग हैं, कब कहाँ कैसे आपका साथ दे जाएं, आपको संकट से निकाल के ले जाएं, तो हर किसी से अच्छा व्यवहार रखिए, खुद को मिलनसार बनाइए, अपने दोस्तों का दायरा और संख्या बढ़ाइए। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपके जीवन में दोस्तों की जगह नहीं है, तो एक बार दूध के गिलास के बारे में सोचिए। जब वो पूरा भरा हुआ होता है तो उसमें और दूध नहीं डाला जा सकता, लेकिन शक्कर डाली जा सकती है। शक्कर जो उसमें घुलकर उस दूध के स्वाद को और बढ़ा देती है। बस ऐसे ही होते हैं अच्छे दोस्त, जो आपके जीवन में घुल जाएंगे और उसकी मिठास को बढ़ाएंगे। तो अपने जीवन में दोस्तों का स्वागत कीजिए। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी,